नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 और 5 मार्च की आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो आए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं यशमी ग्रहों की तिथि कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यशमी आपको सावधान रहना होगा और कौन कौन से कार्य आखिर आपके लिए भाग्यशाली होंगे। यशमी आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों इन 2 दिन में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे बदल होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो निवेदन है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि दोस्तों और ऐसी अधिक जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, पहले जानते हैं इन 2 दिनों की ग्रह नक्षत्रों की तिथि और शुभ योग के बारे में। दोस्तों 4 मार्च की बात करें तो दोस्तों ये दिन गुरुवार का दिन रहेगा, कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी और विशाखा नाम का दिन नक्षत्र रहेगा। दोस्तों इदिन योग की बात करें तो दोस्तों इदिन आपको बता दें कि व्याघात नाम के योग के बाद हर्ष नाम का योग रहेगा जो कि बहुत ही भाग्यशाली योग है। और दोस्तों इदिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर के 2:06 से लेकर शाम के 3:33 तक। ध्यान रहे ये राहु काल के समय में आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्यों को ना करें। और दोस्तों चंद्रमा दिन तुला राशि के उपरांत वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। और दोस्तों 5 मार्च की बात करें दोस्तों ये दिन शुक्रवार का दिन रहेगा, कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी और अनुराधा नाम का ये दिन नक्षत्र रहेगा। दोस्तों ये दिन योग की बात करें तो वज्र नाम का ये दिन योग रहेगा और ये दिन भी बहुत ही भाग्यशाली योग है। राहु काल के दिन समय रहेगा सुबह के 11:11 से लेकर दोपहर के 12:38 तक। दोस्तों ये दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि पर ही संचार करेंगे। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं इन 2 दिनों की ये जो ग्रह नक्षत्रों की तिथि है, तिथि और शुभ योग को मिलाकर आपकी राशि पर इनका क्या प्रभाव होता है, चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों इन दिनों में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति तथा एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना उत्पन्न हो सकती है। आपसी सामंजस्य बेहतर होने से किसी भी कार्य को सफल बनाने का जो आपका प्रयास है वो आप कर सकते हैं, आपका प्रयास जो है इसमें सफल होगा। दोस्तों इन दिनों में संगठित परिवार होने से घर परिवार के विकास के साथ साथ कार्य क्षेत्र में भी विकास होने की संभावना पाई जाती है। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी नेगेटिव यानी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यह समय मन अस्वस्थ रहेगा, धार्मिक सामाजिक कार्यों में धन खर्च होगा, परिजनों से यश में अनबन हो सकती है, व्यवहार में गुस्से यश में देखने को मिलेगा। दोस्तों जिसके कारण कार्य क्षेत्र में नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। दोस्तों इन दिनों में कोर्ट कचहरी के कार्य में दिक्कतें आ सकती है। दोस्तों यश में आपको सलाह दी जाती है कि वाणी पर आप यश में संयम रखें, गणेश जी का ऐसा विचार है। वही दोस्तों इन दिनों में आपके लिए जो समय होंगे अपना प्रभाव बढ़ाने वाला समय रहेगा और आपकी प्रतिभा का सम्मान भी करेंगे। दोस्तों आप जो है अपने कार्य पर परिपूर्ण लगे रहें, कुछ लोगों को अपने समूह के नेतृत्व का मौका भी मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए ये जो दिन है फिर भी थोड़ा जो है निराशजनक हो सकता है, कुछ पुराने दोस्त से जो है इसमें आपको मिलने का मौका मिल सकता है। फिर भी दोस्तों मन में एक जो है खालीपन सा आप महसूस करेंगे। थोड़ा सा समय ध्यान में बिताएं, इससे आपके मन को शांति मिलेगी। और दोस्तों ये जो समय है आपके लिए आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी एक अच्छा कदम वाला समय होगा। दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में आपके करियर के लिए जो है बहुत ही अच्छा समय रहेगा। बिजनेस वालों को यह समय जो है सावधानी से काम करना होगा। दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे आकस्मिक धन लाभ के योग भी बनेंगे। दोस्तों व्यवसायिक क्षेत्र में जो आपको सफलता मिलेगी उससे आप गदगद हो जाएंगे और धन लाभ की स्थिति यश में रहेगी। लेकिन दोस्तों अनावश्यक जो है यश में आप खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए दोस्तों यश में आप अपने खर्चों पर नियंत्रण करने की कोशिश करें। दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में लव लाइफ के लिए प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और प्रेमी का जो है भरपूर सहयोग मिलेगा। वैवाहिक जीवन में तालमेल बनाकर आप चलें, जीवन साथी की भावनाओं का आप यश में जो है आदर करें। दोस्तों इन दिनों में जो आपके लिए समय होंगे परिवार के साथ कहीं घूमने का आप जो है योजना बना सकते हैं, किंतु दोस्तों इसमें ध्यान रखें कि ये आपके जो है काम पर कोई असर ना डाले। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी हेल्थ की बात करें तो ये जो आपके लिए समय होंगे सेहत के मामले में आपको जो है अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है,
ये जो आपके लिए समय होंगे आपको मौसम के बदलाव के कारण होने वाले छोटे मोटे बीमारियों का है सामना करना पड़ सकता है। वही दोस्तों इन दिनों में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा काला और भाग्यशाली अंक रहेगा 9। दोस्तों ये अश्विनी गणेश जी कहते हैं कि यदि आप कुशल वक्ता या फिर सार्वजनिक प्रवचनकर्ता होंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत ही ख्याति मिलेगी। दोस्तों इसमें प्रसारण माध्यमों से संबंधित प्रवृत्तियां आपके लिए लाभदायी साबित होंगी। दोस्तों इन दिनों में आपकी जो वाक पटुता होगी और वाक छटा प्रशंसा पात्र बनेंगे। इसमें आपका व्यवहार जो है उसकी सब प्रशंसा करेंगे और आपको नाम और प्रतिष्ठा इसमें ये जो आपका स्वभाव है वो दिलाएंगे। वही दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी वित्तीय स्थिति यानी धन को लेकर बात करें तो आप वर्क प्लेस पर खुद को आलसी और निरुत्साहित महसूस करेंगे। आपको अपने मामलों को सुलझाने के लिए अपने सहकर्मियों की मदद लेने की जरूरत होगी, क्योंकि दोस्तों आपके निर्णय लेने की जो ताकत है यह समय इन दिनों में इतनी अच्छी नहीं होगी। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी में जो है कुछ कमी आ सकती है। दोस्तों कुल मिलाकर ये जो आपके लिए दिन होंगे समय होंगे प्रोफेशनल मामले में जो है थोड़ा अनलकी दिन हो सकता है अगर आप अपने कार्यों पर जो अपना नज़र हटाते हैं तो। वही दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें तो निजी मोर्चे पर ये जो आपके लिए दिन होंगे इन दिनों में काफ़ी अच्छा दिन होगा। अपने पीढ़ी के साथ मजबूत जुड़ाव और आप दोनों को अच्छा महसूस कराएगा यह समय। इस तरह दोस्तों आप अपने पीढ़ी के साथ जो है एक आनंददायक और रोमांटिक दिन बिता सकते हैं। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो ये जो आपके लिए समय होंगे गणेश जी आपको इन दिनों के शाम में काम के अलावा कुछ आरामदायक गतिविधियों में शामिल होने की सलाह भी देते हैं, क्योंकि ये जो समय होंगे आप वर्क प्लेस पर श्रमित और तनाव में हो सकते हैं। अत्यधिक काम जो है आपकी सेहत पर भी प्रभाव डाल सकता है। ऐसे में दोस्तों आपको यह समय रूटीन के काम में ब्रेक लेने की सलाह जो है गणेश जी देते हैं। वहीं दोस्तों यह समय आप खुद को ऊर्जा से जो है सराबोर पा सकते हैं, लेकिन दोस्तों काम का जो बोझ है आप में खीज पैदा कर सकता है। दोस्तों इन दिनों में कार्य क्षेत्र में या फिर कारोबार में आपकी कोई लापरवाही आपको यश में जो है आर्थिक नुकसान करा सकती है। वही दोस्तों इन दिनों में बच्चों को अपनी उम्मीद के मुताबिक जो है प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करें, हालांकि किसी चमत्कार की उम्मीद न करें। दोस्तों इन दिनों में आपका जो प्रोत्साहन है निश्चित तौर पर बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाएगा, आपकी आकर्षक छवि जो है मनचाहा परिणाम देगी। दोस्तों इन दिनों में जो समय होंगे दूसरे देशों में व्यावसायिक संपर्क बनाने का बेहतरीन समय होगा। कार्य क्षेत्र के किसी काम में जो है खराबी की वजह से ये जो समय है आप परेशान रह सकते हैं और इस बारे में सोचकर अपना जो है कीमती वक्त भी आप बर्बाद कर सकते हैं। दोस्तों इन दिनों में आपके सामान्य वैवाहिक जीवन से कुछ हटकर होने वाला है। आपको अपने जीवन साथी की ओर से कुछ जो है खास देखने को इन दिनों में मिल सकता है। दोस्तों यशु में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें कि बृहस्पतिवार को गीले चने की दाल को आटे में मिलाकर उसके दो पेड़े और शुक्रवार को सफ़ेद चावल मीठा डालकर गाय को खिलाने से उस घर में कभी भी कोई भी आर्थिक संकट नहीं आता है। तो दोस्तों यश में आप इन उपायों को ज़रूर करें, ये आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली रहने वाले हैं। साथ दोस्तों आपको बता दें कि शुक्र ग्रह जो है भौतिक सुख के कारक होते हैं, इसको मजबूत करने के लिए घर का कुछ हिस्सा कच्चा जरूर रखें। जहाँ दोस्तों इन पर ध्यान दें ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होने वाले हैं। और शादी दोस्तों रात को सोते समय अपने दंत फिटकर इससे साफ जरूर करें, इनसे दोस्तों लाभ अवश्य होंगे। तो दोस्तों इन उपायों को यश में आप जरूर करें, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी और भाग्यशाली रहने वाले हैं। और शादी दोस्तों और ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि इसी प्रकार की और अधिक जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।